नमस्कार फरीदाबाद, हम फिलहाल हैं संतोष हॉस्पिटल और आप देख रहे हैं जो युवती कराती हुई, सपना नाम है, और इनकी जो वारदात हुई है, इनके साथ हुई है, इनके पति ने इनको पीटा है और देख सकते हैं आप कितनी बुरी हालत है। अभी फिलहाल ये लेटी हुई है और अच्छी तरह से ढंग से बात करने की स्थिति में नहीं है। जानेंगे इनसे पूरा क्या मामला। नमस्कार जी, मेरे पति 2 साल से रिश्ते दूसरी के चक्कर में है। अब मुझे ये 31 तारीख को पता पड़ी है। क्या नाम है पति का? इकबाल नाम है। कहाँ रहते हो आप? राजीव कॉलोनी में। 31 तारीख से घर में नहीं घुस रहे हैं। 1 तारीख को मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है, मेरे जेठ की बहू के, मतलब इनके चाचा की भाई की, वो चाचा की छोरा की लड़की बहू है, उनसे सेट है, उनके भी 3 बच्चे हैं। फिर उन्होंने मुझ पर रिकॉर्डिंग पहुंचाई है कि बेटा ये रिकॉर्डिंग सुन लो, नहीं तो घर वीरान हो जाएगा, ये 13 तारीख को लेके भग जाएगा यार। 13 तारीख को तो इन्होंने क्या करा, घर में घुसे नहीं आए ये 22 दिन आगरे में रह के आए अपनी माँ के पास। अच्छा। माँ के पास घर में नहीं घुसे। मैंने अपने बच्चे पाले हैं, पढ़ाए लिखाए 20 दिन 25 दिन तोड़ी, फिर ये आए। 23 तारीख पानी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ जनाब जी कुछ नहीं दिया इन्होंने। तो 23 तारीख को जो आए, हमारे जेठ एहसान ने बुलाया इन्हें, वो फैसला घर में करके चले गए। तो फिर भी वो एहसान के सामने यूं कह रहे हैं कि मैं तो ना आज रखता इसे ना कल रखता, ये घर बसेगा नहीं। फिर भी मैंने अपनी दबी पे उनकी बात मान के उनके घर में रह ली, मौका दे दिया मैंने की चलो। नरेश सर भी आए थे जनाब जी, उन्होंने भी धमकाया उन्हें, तो फिर मौका दे के चले गए कि बेटा अब घर बसा। CIM जी, उन्होंने मौका दिया कि चलो अब बसा लेंगे घर, ये बच्चे मान जाएंगे। मैंने मान ली भैया, 2 दिन तो सही रही है, 3रे दिन उन्होंने मेरे संग फिर वही करने लगी है। कब की बात है जब अब बात मान लिया आपने? ये लमसम सर 22-23 तारीख को आए थे जी, 21-22 तारीख की बात है इन्होंने। अब फिर इन्होंने 2 दिन तो सही रहे हैं, 3रे दिन जनाब, सॉरी 21 की नहीं भाभी, ये 19 की है। हाँ 19 की है। तो ये झगड़ा कब हुआ है? 23 तारीख को हुआ सर, 22 से स्टार्ट हुआ, 23 तक चला है। 23 तक चला है इन्होंने, रात को जो मारपीट 23 तारीख की हुई है। हाँ 23 को रात को हुई ये मारपीट। कब से यहाँ पे आप? आज हुई है। 23 तारीख से हुआ क्या था? घर पे चल गया था। बिल्टी की बताओ, बिल्टी करी थी हमारी कंप्लेंट ली नहीं ना। 23 तारीख को इन्होंने 9 बजे घर में घुसे, पहले तो इन्होंने बाहर दारू पिए, खूब इन्होंने दारू पिए, गांजा पिया। फिर 9 तारीख को जो घर में घुसे हैं, 9 तारीख घर में घुस के किसी, 23 तारीख को घर में घुसे हैं जी। मैंने इनके लिए खाना आना बना दिया, मैंने कहा आप खाना खा लो और सो जाओ। फिर उन्होंने गाली, 23 तो रात में हो गई थी ना। हाँ 23 रात को, 22 को घुसे थे 9 बजे। इनके देवर हैं, परिचय बता देने का। और क्या नाम है? मेरा नाम इरफान है सर। आप बताए क्या मामला हुआ सारा? मामला सर सारा ये था, एक्चुअली में लेटना है आपको, लेट जाओ आप, आपको लेटना है। मामला सर ये था, वो बंदा हमारा एक चाचा है, हमारा गांव MP है, मध्य प्रदेश, जिला शिवपुरी पड़ता है, तहसील करेरा पड़ती है हमारी। तो वहां पर कहाँ रहते हो? राजीव कॉलोनी में रहता हूँ, राजीव कॉलोनी में भाभी रहती है। तो ये वहां पर हमारे पापा एक्सपायर होते हैं आज से 2.5 साल पहले। तो वहां पर हमारा पापा की एक इच्छा थी कि आप मेरी जो क्या मट्टी जो दोगे, हम मुंडन है, मेरी जो मट्टी दोगे मेरे गाँव में दोगे, वो सारे काम हो गए, उसके बाद उसका आना जाना चालू हो गया वहां से। और हमारे चाचा के लड़के की बहू, लड़के का नाम है लियाकत जिसकी वो घरवाली, और लड़की का नाम है नजमा और भाई का नाम है इकबाल। वो उससे फिर अफेयर उसका चालू हो गया भाई का। वो कंटिन्यू दो साल चलने लगा, चलते चलते फिर हमारी भाभी पे क्लेश बढ़ता गया। उस दौरान उसके 6 महीने पहले मैं इनके पास आ गया था, सॉरी 6 महीने बाद, जब 6 महीने होने को आ रहे थे आज से 6 महीने पहले मैं आ गया था। उसके बाद में इन पे कलेश बढ़ता गया ना, घर में सोना अच्छे से ना, कुछ करना, रात भर तक बाहर रहना सारे काम, और जो पैसा कमाती थी ये भी बेचारी काम करती हैं, वो जो पैसा ये कमा रही है उनका पैसा लेके सीधा वहाँ पहुँचाना, सारे काम हुए। अब पता पड़ गया, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उनकी, फ़ोन की, नजमा की और इकबाल की, वो हमारे पास है, हमें सबूत मिला। जब सबूत मिला तो वो बंदा घर से भाग गया। बंदा घर से भागा, घर से भागने के बाद में उसने क्या करा, सीधा वो MP पहुँचा, और हम पे खबर आई थी कि उससे निकाह करने वाला है। वो MP पहुंचा तो हमें फ़ोन पे बता रहा था बार बार, हमारा एक भांजा उसको बता रहा था कि मैं अब MP पहुंच चुका हूं, और फ़ोन MP का बता के स्विच ऑफ कर लिया उसने। मेरे पास एक गाड़ी है टिगोर, मैंने भाभी को बैठाया, भाभी जी आपका ये घर बर्बाद हो जाएगा, आप एक काम करो मेरे संग चलो, MP ही चल रहे हैं, वो हमारा गाँव है। तो मेरी भाभी, मैं, मेरा साला कमल, मेरा मामा राकेश, हम चारों MP पहुंचे।
एमपी पहुंचने के बाद में वहाँ पर हमने चाचाओं से बातचीत करके सारे काम करके उन्हें कि कोई बात नहीं हम बेटा समझा देंगे, और उस लड़की को उसके घर पहुंचा दिया। भाई को वापस ले आए? भाई तो मिला ही नहीं हमें, भाई ने तो मिला ही नहीं, भाई तो झूठ बोल रहा था, क्या बोल रहा था, लेकिन वो फोन करके फोन स्विच ऑफ कर दे रहा था, ना तो लोकेशन आ रही थी कुछ नहीं। तो हम उसको करके भाई को फोन करा, स्विच ऑफ, तो उन्होंने बोले तुम टेंशन मत लो, अगर यहाँ पर वो आता है तो हम उसको पकड़ लेंगे या थाने में दे देंगे। उसके बाद में उस लड़की को उसके घर पहुंचा दिया। हम वहीं से उसी दिन रिटर्न हो गए। रिटर्न होने के बाद में तो वो क्या करता है, वहाँ से आने के बाद में सीधा आगरे आता है हमारी मौसी के पास। तो 20 दिन वो आगरे रहता है, फतेहपुर सीकरी दवा के, वो फतेहपुर सीकरी रहते हैं। उसके बाद में 20 दिन के बाद में वो आते हैं घर 56 सेक्टर में, जहाँ पर मैं रह रहा था, ये राजीव कॉलोनी में, मैं सेक्टर 56 में रहता था। वो प्लॉट इनका ही था, क्योंकि मेरे पास कोई मकान नहीं था रहने के लिए, तो मैं रेंट पे भाभी के पास रह रहा था सारे काम। फिर वो आता है, और जो एहसान प्रधान था वो आता है उसको लेके, कि इसको एक मौका और दो। उसको मौका दिया गया भाभी ने कि चलो कोई बात नहीं, तो घर की बातें होती जाती रहती हैं, आदमी कहीं भी चला जाता है। तो वो आने के बाद भी उसके वर्ड यही थे उस टाइम, वो बोला कि मेरा मकसद तो कुछ और है, और मैं तेरे को छोड़ूंगा, मेरा मकसद तो कुछ और है, मैं आ रहा हूँ घर में। वो घर में आ जाते हैं। तो 22 तारीख को ये जो बाहर जाती है, वो 22 तारीख को ये घर में जाती है, भाभी पहले पहुंच जाती है, भाई बाद में पहुंचता, दारू पी के, गांजा भी पीता है वो, दारू भी पीता है। उन्हें दारू पी एक बोतल, वो गांजा पिया, सीधा 9:30 बजे पहुंच गया। हमें नहीं पता इनके घर में क्या चल रहा है, जो बात है हम अपने घर पे थे। उसके बाद में इन पे जो कलेश हुआ, उसके बाद मैं रात में सो गया। उसके बाद भाभी मेरे पास शायद 12:30 या 1 बजे मेरे पास आई, कुंडी खटखटाई और रो रही थी बुरी तरह, पूरे कपड़े इसके मट्टी में भरे हुए थे, चोट इसके लगी हुई थी। उसके बाद में मैंने भाभी ने कि मेरे को मेरे घर छोड़ दो, मैंने अपने साले को कॉल करा, मैं भाई तू आ जा कुरेशीपुर से, मैं आ रहा हूँ, तू रस्ते से भाभी को ले जाना। ठीक है जी, मैं इसको लेके पहुंचा, पीछे से आता डंडा लेके, मेरी वाइफ है ये सामने बैठे, मेरे बच्चे अंदर सो रहे थे, मेरा भांजा भी सो रहा था, मेरा ससुर भी सो रहा था। आके गाली गलौज करी, मेरी घरवाली को उठाई, घरवाली को उठा के इसमें एक थप्पड़ मारा, बच्चों को बाहर करा, मेरे घर से बाहर निकलो तुम, बाहर निकला। वाइफ का मेरे पास फोन आया, मैंने कि मैं अभी चल रहा हूँ, झगड़े का माहौल बन गया था, जो बात थी। हम पहुंचे तो मैं कहा था, वो घर पहुंच गया। हाँ, वो मेरे घर पहुंचा, मेरी घरवाली को बच्चों को सबको निकाल दिया, मैंने मेरे साला आए वापस, तो वो घर पे नहीं मिला हमें हमारे। देखो गुस्सा था, हमने गाली गलौज करी सारे, तो हम झूठ नहीं बोलते इस चीज में, हमें पता पड़ी वो बंदा गली में है, हमने उसको ढूंढा, मैं मेरे साले थे, साले के हमारे रिश्तेदार थे, हमने उसको गली में ढूंढा, हमें कहीं नहीं मिला। हमने ढूंढा इसलिए कि हमें ये पता पड़ा कि भाभी ने अपनी लड़की, इन पे 3 बच्चे हैं, एक लड़का है बड़ा सबसे 11 साल का, एक लड़की इनकी 10 साल की, एक लड़का है इनका 5 साल का। तो लड़की के लिए उन्होंने कुछ जेवरात बना रखे थे शादी के लिए, तो वो क्या करा, पूरी संदूक को तोड़ के और पूरे जेवरात निकाल के, वो पूरी संदूक को तोड़े, जेवरात निकाल के वो वहां से फरार हो गया। हमें ये पता पड़ी और ये सच्चाई थी, जेवरात ले गया, जेवरात पूरे ले गया वो। हमें पता पड़ी भाभी का फोन आया कि वो ऐसे ऐसे ले गया, और वो बाहर का ताला लगा के चला गया था। ये 22 तारीख की बात, रात को बात है, 23 तारीख की बात, मारपीट हुई है, 22 तारीख से मारपीट हुई, जो सारे केस हुए 23 को हुआ है, रात के 1 बजे 12 बजे के बाद में सारी घटना घटी है, ये 23 को गिनी जाएगी। तो उसके बाद में ये जो घटना घटी, तो हम घर पहुंचे, घर पे ताला लगा हुआ था, हमने भाभी को बोला, भाभी आने के हालत में थी नहीं, भाभी ने कि एक साइड का गेट है वो हल्की सी कुंडी लग रही है उसकी, उसको आप एक काम करो, हल्का सा धक्का मारोगे तो वो निकल जाएगा, और आप घर में जाकर देखो ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो हमने उसमें धक्का मारा तो वो गेट निकल गया, गेट निकला, हम अंदर पहुंचे तो हकीकत में ये हमारे पास वीडियो है, क्योंकि रूम के अंदर तो वीडियो, रूम के अंदर तो कोई कैमरा होता नहीं है, तो ये हमारे पास वीडियो ये रही। ये देखो सामान ले गए, इसके अंदर था सोने गहने वगैरह, पैसे वगैरह, जेवरात, ज्वेलरी, जेवरात वगैरह जो भी था, ये घर में था सारा कुछ। तो ये हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि हमने करी थी 112 पे बिल्टी, 112 पे मैंने 2:04 पे बिल्टी करी थी 23 तारीख को रात में 2:04 बिल्टी करी। तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि आप एक काम करो, सॉरी हाँ, उन पे बिल्टी करी थी। उसके बाद मेरे पास थाने वाले का फोन आया मेरे नंबर से, 112 में जो जिप्सी पे रहते हैं, तो आप एक काम करो घर जाओ, घर की वीडियो बनाओ कि जो जो कुछ करा, और जाके 58 में जाओ। हम 58 गए वीडियो बना के, 58 जाके हमने वहाँ पर, कोई ऐसा ही नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो वहाँ पर क्या नाम है, कॉन्स्टेबल था एक, कंप्लेंट दिया हमने, हाँ वो सो रहा था, सोने के बाद उसको जगाया, उसको बताया मामला, तो कह रहा हम कंप्लेंट नहीं लेंगे आपकी। उसने ये बोला कि ये घर का मामला है, उसका घर है, वो कुछ भी ले जा सकता है। मैंने ठीक है सर, वो कुछ भी ले सकता है, तो ये भी उसके घर की है। मैंने उसको देखो जो जवाब दिया, मैं उसके घर की है, उसका खून करके कहीं भी जा सकता है, कोई पुलिस कुछ नहीं कहेगी,
तो मेरे पे एड़ने लगा कि साले तेरे को यही बंद कर दूंगा, मैं तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक्चुअली मैं उसके ना बेज पे कोई नाम बेज उन्हें लगा नहीं रखा था, रात का समय था। बात तो ठीक है क्योंकि उसका घर है तो ले जा सकता समझ। हाँ हाँ, तो लेकिन हमने तो इनकी हेल्प करी जो थी, सारा कुछ करने के साथ। मारपीट कब हुई? 23 तारीख हुई है। 23 तारीख 22 तारीख को घुसा, लेकिन 23 तारीख का सारा मामला गिनना चाहिए। आज को एडमिट किया हॉस्पिटल में? सर मैं बताता हूँ, ये इसलिए करा क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कोई वारदात नहीं होती। मैं भाभी चलो घर का मामला है, आप दोबारा घर चले जाना, कोई बात नहीं, ऐसा होता जाता रहता है। लेकिन इसको रिलीफ नहीं था, आराम नहीं मिल रहा, आराम नहीं मिल रहा था। हमने टेबलेट बाहर से करवाई, सारे काम डॉक्टर, कोई आराम नहीं, सीटी स्कैन भी करवाया, कोई आराम नहीं मिला इनको। इसलिए हमें लास्ट में यहाँ पर आके एडमिट कराना पड़ा। सुनो, तो इसके बाद एडमिट कराया गया। हमें कोई इशू नहीं था, कोई हमें कोई नहीं थी, क्योंकि हमने इन्होंने बोला कि मेरे को रहना नहीं है। तो हमने क्या करा था, तो हम कोर्ट गए, कोर्ट से हमने वकील से बात करी, वकील ने कि मैं सीएम विंडो पे कंप्लेंट दे देता हूँ। उन्होंने कंप्लेंट दी, हमें कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, 23 तारीख को ये कंप्लेंट थी। अब इनको एडमिट करा, तो अभी मेरे पास सतेंद्र सर का कॉल आया, जो एसआई है वहाँ के 58 के, तुमने इकबाल को मारा है और तुमने घर की लूटपाट करी है, ये हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इकबाल ने आज की डेट में हमारे पास कॉल आया, तो हमारे ऊपर ये झूठा आरोप लगाया है सतेंद्र सर के बिना पे, तो ये लगाया जा रहा है। तो इसलिए मैंने सर आपको बुलाया, क्योंकि हम इनके संग हैं, हम किसी के खिलाफ मैटर में आपकी कार्रवाई करी नहीं, लेकिन जब उस भाई ने कंप्लेंट करी तो आप कर रहे हैं। इसलिए हाँ, मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी, जब उन्होंने मेरे ऊपर उल्टा आरोप लगाया, इसलिए मैंने आपको कॉल करा, क्योंकि हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। रिकॉर्डिंग करें एक बार सुनो। हाँ मैं सर, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग सुनाऊँ, उस लेडीज की? हाँ, जो वो कहते हैं ना भाई का फेयर है। हाँ अच्छा अच्छा, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। क्या कहता है वो? लब लब वाली बातें। रिकॉर्डिंग एक्चुअली में एक नहीं है, रिकॉर्डिंग कई है। अब ये सुनते सुनते काफी टाइम लग जाएगा। मैन मुझे नहीं पता कौन सा, तू सुना दला जो मैन है वो। तो मैन वाले सुना, जिसमें उसने ऐसा लगा कि हाँ उसके संग है। हाँ जी, बाईस तारीख को ये घर में घुसे हैं 9 बजे घर में। मैंने ना खाना बनाया, इन्होंने आके मुझे धमकी देने के मारे पत्ती ली है इन्होंने, पत्ते लेके यूं काटने लग गए। मैं अपने हाथ काटने लग गए ये नु करके, और चिमटा उठा के गैस पे मार दे। तो मैं घर में से बाहर आई, जैसे किचन इस तरफ है घर इस तरफ है, मैं बाहर आई, मैंने कहा आप कर का रहे हो, मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको खाना बना दे, बना खाना खा लो और सो जा। तो कह नहीं बहन की लोड़ी, तू मेरी बात नहीं मानती है। मैंने कहा क्या बात मानो, कि मेरी गाड़ी कल ही चाहिए मुझे, इनकी गाड़ी मैंने भेज दी थी, जब उल्टे चलोगे तो मैं गाड़ी में कब थोड़ी सौ करवाऊँ, कमाते हैं नहीं, तो क्योंकि मेरी गाड़ी अभी चाहिए। मैंने कहा चलो आपके हाथ जोड़ लेंगे, सुबह आपकी गाड़ी आ जाएगी, आप खाना खाओ सो जाओ। कि नहीं अब तो घर बसेगा ही नहीं, ना आज बसे ना कल बसे, ना आज कल बसे ना आज। तो मैंने कहा चलो आपकी बात मान ली, सब बात मान ली, तू देवर को पैसा खिलाती है, तू भाइयों को पैसा खिलाती है, तू भतीजों को पैसा खिलाती है, तू दल्लन है, जे उल्टी सीधी गाली देने लग गए मुझे, गाली देने लग गए जे मुझे। फिर मैंने उनसे नहीं कहती, मैंने कहा तुम मेरी तो कह रहे हो, मैंने कहा अपनी भाभी के तुमने पैर पकड़े हैं वो तो नहीं बताई आपने। इन्होंने फिर मेरा फोन उठा के नीचे फेंक के मार दिया, फोन फेंक दिया इन्होंने मेरा। फिर जैसे मैं बेड से कमर लगा के बैठी थी, मेरा बेड पे चढ़ के एक इधर चांटा एक इधर चांटा मारने पड़ गए। छोटी छोर लड़की बीच की सो रही थी, तो वो रोने लग गई, रोने लग गई, नहीं माने वो, नहीं माने, मारते रहिए। उन्होंने मेरी गिच्ची नू करके यहाँ चांटा मारा मेरे, इतने में मेरी गिग्गी छूट गई। मैंने कहा बेटा, बड़े बेटे से कहने लग गई, मैंने कहा बेटा किसी को आवाज मार दे या तो ऐसे मार देगा मुझे, ऐसे मार देगा। रोने लग गई, नहीं माने, तो वो उन्होंने बड़े बेटे को धमका के बैठा दिया कि चुप यहीं बैठा रहे। फिर कह रहे मुझे चाबी दे संदूक की, मैंने कहा मेरे पे तो नहीं है चाबी, कहना चाबी दे मेरे यहाँ हाथ वाथ बच्चों के आगे मारने लग गए। चाबी ली इन्होंने, संदूक खुलवाई, कह रहे मैं तो बच्चों को लेके जा रहा हूँ और तेरा लोन है, तू चुकाएगी अपना लोन। अब वो लोन 10 लाख का लोन घर पे आपको मेरे ऊपर है, वो घर के ऊपर है, मतलब नाम के नाम है, घर मेरे नाम है, 11 लाख का लोन है वो।
11 लाख का लोन है, अभी पहली किस्त कटी है, अब दूसरी किस्त 1 तारीख को जाएगी उसकी। तो वो लोन पे मैंने इंश्योरेंस करवा रखा, मतलब जैसे मेरे संग कुछ वारदात हो जाती है तो वो लोन माफ हो जाएगा, और 6 लाख उल्टा ही नहीं मिलेगा, 6 लाख नहीं मिलेगा उल्टा। तो इन्होंने नो के लोन तेरे नाम है, तू चुकाएगी, मैं अपने बच्चे और चीजें लेके जा रही हूँ। तो मैंने कि मैं क्या करूंगी इस घर में जब बच्चे और चीजें लेके जा रहे हो तुम। तो इन्होंने मुझे धमकी, चाबी यूं लगा के, चाबी देखो मेरा यहाँ निशान है, ये रिया देखो, ये रिया, इन्होंने चाबी यहाँ लगाई है मेरे कि तुझे आज ही मारूंगा मैं। मैंने कि मार दो मुझे, मरने को बैठी हूँ मैं। फिर उन्होंने चाबी फेंक के यहाँ लगा के सो किचन में चले गए, इन्होंने गैस निकाला। मैंने कि ऐसे तो ये मुझे मार देंगे। मैंने उठाई घर की चाबी, अंदर से ताला लगा रखा था नीचे से, सो सीढ़ियों पे से नीचे भागी हूँ मैं एकदम। भाग के मैंने ताला खोला बच्चों को अंदर करके, मैं फिर गली में भागती ही चली गई हूँ। तो ये नहीं माने, नहीं पीछे मेरे पीछे सी थी थोड़ी, तो मेरे आ गई मेरे गुद्दी पे, उन्होंने ऐसा चांटा मारा, सो मैं चौड़े चित नीचे गिर गई हूँ, नीचे सिर ने एकदम। अब मुझे कितनी देर तो होश नहीं आया, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के, इन्होंने फिर मेरे गुद्दी पर चाटा मारा, तो मैं नीचे गिर गई। इन्होंने फिर मुझे उठाई है, तो मैं चिल्ला रही हूँ भैया मुझे बचा लो, ये मार देगा मुझे बचा लो। तो दो आदमी आए, एक जान पहचान था, नाटी नाम था उसका, उनसे मैंने हाथ जोड़े हैं भैया। हाँ जी, फिर इन्होंने फिर दो आदमी आए, उन्होंने कह रहे इकबाल भाई क्यों मार रहे हो, तो मैंने उनसे हाथ जोड़े हैं, इनकी भाई मेरी जान बचा दो, उससे हाथ छुड़वा दो। क्या चाहती हैं अपने पति से? मैं भैया फैसला, क्योंकि